फ्रेंड्स, जब भी मीठा खाने का मन हो तो आप ये मिठाई बनाएं बहुत ही सस्ते में। तो इसमें ना खोया पड़ेगा, ना मावा, ना मलाई, और बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाएगी। तो इसमें मैंने अपना ट्विस्ट दिया है और ये उड़ीसा की फेमस मिठाई है सूजी पिठा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं एकदम माउथ मेल्टिंग मिठाई। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक पैन लिया है, अब हम इसमें डाल देते हैं 1 छोटा चम्मच घी, बस इतना ही सा इसमें घी लगेगा। और अब हम इसमें डाल देंगे आधा कप ली है मैंने सूजी। तो सूजी को यहाँ पे हमें मिक्सी में थोड़ा सा पीस के लेना है। अगर आपके पास फाइन वाली सूजी है तो वो ले सकते हैं, और अगर मोटी वाली सूजी है तो उसे आप 2-3 बार चर्न कर लें, क्योंकि हमें इस रेसिपी के लिए एकदम फाइन पतली सूजी चाहिए। तो देखिए मैंने इसको 2-3 बार चर्न कर लिया है और मैं इसे अब थोड़ा सा रोस्ट कर लूँगी। और यहाँ पे इसका कलर चेंज नहीं होने देना है, इसे हमें हल्का सा रोस्ट करना है बस 2 मिनट के लिए लो हीट पे। तो चलिए इसको रोस्ट कर लेते हैं। और देखिए हमारी जो सूजी है रोस्ट हो गई है, अब हम इसमें डाल देंगे 1 कप दूध। तो यहाँ पे दूध जो है हमारा रूम टेम्परेचर का होना चाहिए, और यहाँ पे जिस कप से मैंने दूध लिया ना इसी कप से मैंने आधा कप सूजी ली थी। और देखिए अब हम दूध को सूजी में अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो यहाँ पे आप हीट को बंद भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर हीट ऑन रहेगी ना तो इसमें गुठलियाँ भी बन जाएंगी। तो यहाँ पे हीट को आप ऑफ कर दें और इस तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए इसका जो डो है इस तरह से बन गया है। अब हमें यहाँ पे हीट को ऑन कर लेना है और हीट को हमें लो रखना है। और देखिए यहाँ पे मैं आज बना रही हूँ फ्रेंड्स उड़ीसा की फेमस मिठाई सूजी पिट्ठा, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है और इसे मैं कुछ नया ट्विस्ट दूंगी। तो यहाँ पे देखिए हमारी जो सूजी है इस तरह से इसका डो बन चुका है। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं एक बड़ी प्लेट में। और यहाँ पे जो सूजी है गर्म है अभी, तो यहाँ पे हमें इसको अभी गरम गरम ही इस तरह से इसको मैश करना है, क्योंकि हमें इससे चिकना करना है। और अब हम यहाँ पे थोड़ा सा क्रीमी टेक्सचर देने के लिए इसमें डालूंगी 2 चम्मच के करीब मिल्क पाउडर। तो फ्रेंड्स अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो आप एक काम कर सकते हैं, मिल्क पाउडर की जगह जब आपने दूध डाला था ना सूजी में उस जगह आप 1.5 कप दूध डाल सकते हैं अगर मिल्क पाउडर नहीं है तो। अगर मिल्क पाउडर है तो आप यहाँ पे 2 चम्मच मिल्क पाउडर डालें और इस तरह से मिक्स कर लें, और इसको आटे जैसे गूंथ लेना है। देखिए इस तरह से एकदम चिकना। और अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा घी लगा दूंगी इसमें, क्योंकि ये थोड़ा सा चिपक रहा है प्लेट में। घी लगाने से एकदम इसका जो टेक्सचर है क्रीमी हो जाएगा और अच्छा सा हमारा चिकना सा इसका डो बन के तैयार हो जाएगा। देखिए एकदम क्रेक्स फ्री डो हमारा बन गया है। तो इसको हम ढक के रख देंगे 20 मिनट के लिए। और अभी देखिए यहाँ पे मैंने एक भगोना लिया है और अब हम डाल देंगे इसमें 1 कप पानी और 1 कप चीनी। तो चीनी को हम देखिए इस तरह से मेल्ट होने देंगे, और गैस को आप यहाँ पे लो टू मीडियम रखें। और मैं बना रही हूँ यहाँ पे चाशनी, तो चाशनी कोई तार की नहीं चाहिए, बस चाशनी हमारी थोड़ी सी चिपचिपी हो, जैसे शहद होता है ना सेम वैसे ही। तो अब हमने इसमें 2 इलायची क्रश करके डाल दी है, साथ ही यहाँ पे 2 से 3 ड्रॉप डाल दिया है फूड कलर, तो येलो फूड कलर मैंने डाला है। ये टोटल ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है और आप नहीं डालना चाहते हैं तो ना डालें। आप यहाँ पे केवड़ा एसेंस या फिर रोज वाटर भी डाल सकते हैं, या फिर आप इसमें केसर के धागे भी डाल सकते हैं। तो देखिए चाशनी हमारी थोड़ी सी चिपचिपी हो गई है शहद के जैसी, चाशनी एकदम तैयार है। इसको हम हटा लेते हैं गैस से। तो इसे अब हम ढक देते हैं। और यहाँ पे देखिए मैंने एक प्लेट में लिया है करीब 2 चम्मच मिल्क पाउडर, और इसी में हम ऐड करेंगे 2 चम्मच नारियल का बुरादा, जो बारीक वाला बुरादा होता है ना वो लिया है मैंने, जिसे डेसिकेटेड कोकोनट भी कहते हैं। अब मैं इसमें डाल दूंगी 1 छोटा चम्मच पिसी हुई चीनी, और 2 ड्रॉप मैंने यहाँ पे फूड कलर डाला है येलो फूड कलर। और अब हम यहाँ पे 2 चम्मच डाल देंगे इसमें दूध, और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो आप इसमें फूड कलर की जगह आप ड्राई फ्रूट भी इसमें मिक्स कर सकते हैं बारीक बारीक काट के, जैसे कि काजू या फिर बादाम या फिर किशमिश, जो भी आपको पसंद है। तो अब हम इसको इस तरह से मिक्स कर लेते हैं, और यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा चिपक रहा है, तो हम इसमें थोड़ा सा घी लगा लेंगे। और ये डो थोड़ा सा मुझे गीला लग रहा है, तो 1 चम्मच मैंने इसमें मिल्क पाउडर और ऐड किया है, और इसको मैंने अच्छे से देखिए बना लिया है। अब मैं इसकी इस तरह से छोटी छोटी सी बॉल्स बना लूँगी। तो उड़ीसा में जो सूजी पिट्ठा बनते हैं वो कुछ डिफरेंट तरीके से बनते हैं, लेकिन मैंने ये अपना इसमें अलग ट्विस्ट दिया है। और अभी देखिए मैंने ये सारी बॉल्स बना ली हैं, अब अपना डो चेक करेंगे। तो यहाँ पे करीब 20 मिनट हो गए हैं और डो हमारा अभी भी गर्म है, थोड़ा सा गुनगुना है। तो डो को थोड़ा फिर से हम चिकना कर लेते हैं, क्योंकि हमें एकदम क्रैक्स फ्री इसकी बॉल्स बनानी है। और यहाँ पे हम थोड़ा सा इसका पार्ट लेंगे और यहाँ पे हम एक इसकी बॉल्स बना लेंगे, देखिए इस तरह से। अब हम इसको थंब और फिंगर की हेल्प से थोड़ा सा बड़ा करेंगे, और सेंटर में हम अपनी येलो वाली बॉल्स रखेंगे और इसको हम इस तरह से क्लोज कर देंगे।
और यहाँ पे हमें देखिए फिर से इसको इस तरह से चिकना कर लेना है, और लास्ट में हमें देखिए दोनों हथेलियों से इसको इस तरह से प्रेस कर देना है ताकि एकदम चिकना हमारा पिट्टा बनके तैयार हो। और यहाँ पे देखिए इसको अच्छा सा शेप देने के लिए हम प्लेट पे थोड़ा सा राउंड राउंड घुमाएंगे, फिर से थोड़ा सा इसको हम प्रेस कर देंगे, और देखिए इस तरह से हमारा एक सूजी पिट्टा बनके तैयार हो गया है। तो इस तरह से मैंने ये सारे बना लिए हैं। तो चलिए अब इनको फ्राई करते हैं। तो यहाँ पर फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल को गर्म कर लिया है, और ऑयल हमारा ना बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, तो ऑयल मीडियम हॉट हो तभी हम इनको फ्राई करेंगे, और एक साथ बहुत सारे ना आप इसमें डालें क्योंकि तभी अच्छे से फ्राई नहीं हो पाएंगे। और यहाँ पे देखिए कुछ ही देर बाद हम इनको पलट देंगे, करीब एक मिनट बाद तुरंत आप इनको ना पलटें, और आप ध्यान रखें इनको लो हीट पे या फिर हाई हीट पे ना फ्राई करें। पर लो हीट पे फ्राई करेंगे तो ये तेल को ज़्यादा पिएंगे, और हाई हीट पे फ्राई करेंगे ना तो ये जल जाएंगे ऊपर से और अंदर से तो सिक नहीं पाएंगे, कच्चे रह जाएंगे। तो देखिए मैंने इनको अलटते पलटते हुए सेक लिया है, और इनका जो कलर है इसी तरह से होता है, बहुत ज़्यादा डार्क ना करें। तो दूसरा बैच भी हम फ्राई कर लेते हैं, और यहाँ पे देखिए जो हमारी चाशनी है थोड़ी सी गुनगुनी होनी चाहिए, एकदम ठंडी चाशनी में आप ये पिट्ठा इसमें ना डिप करें। तो चाशनी अगर ठंडी हो गई हो थोड़ा सा उसको गुनगुना कर लें, फिर इस तरह से अपने पिट्ठा इसमें डिप करेंगे, और एक साथ बहुत सारे ना ऐड करें, थोड़े ऐड कर लें, उसके बाद उनको पलट दें, फिर दोबारा से दूसरे ऐड करें। और देखिए अब हम इनको ढक के रख देंगे। तो मैंने करीब आपको 15 से 20 मिनट बाद दिखाया है, ये देखिए साइज में थोड़े से बड़े हो गए हैं, और चाशनी को इन्होंने अच्छे से अब्जॉर्ब कर लिया है। अगर आप आधे से एक घंटे के लिए इसको छोड़ देते हैं ना तो इसका और ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा, बहुत ही जूसी आपके जो सूजी पिट्ठाएं बनके तैयार होंगे। तो चलिए अब हम इनको सर्व करते हैं। तो देखिए चाशनी अंदर तक जा चुकी है, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी माउथ मेल्टिंग हमारे सूजी पिट्ठा बनके तैयार हुए हैं, बहुत ही सस्ते में, बिना खोया, बिना मावा, बिना मलाई। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को प्रेस करें। थैंक